असलम टुडे इज आवर फोर्टी थर्ड लेक्चर ऑफ कोर्स जनरल मैथड्स ऑफ टीचिंग आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम बहुत सारा कुछ वो करेंगे एक्सटेंड करेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया दैट वॉज ऑन मोटिवेशन तो आज के लेक्चर के अंदर भी वी आर गोइंग टू रिविजिट मोटिवेशन फॉर लर्निंग उसको रिविजिट करने के बाद हम कुछ और चीजों को रिविजिट करेंगे उसमें एक चीज थी दैट इज टीचर एज अ डिसीजन मेकर हमने कुछ शुरू के लेसन्स में किया इसको लेकिन इसको इस वक्त में करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी हैव डिसकस्ड क्वाइट मैनी मॉडल्स ऑफ लर्निंग क्वाइट मैनी मैथड्स ऑफ लर्निंग हमने मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर बात कर ली है सो ना वी आर गोइंग टू सी दैट इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज थ्योरीज एंड मैथड्स जो कि हमने सीखे हैं हाउ कैन We teachers act as a successful decision maker. So we will uh, talk about teacher as a decision maker. Then see that how a good decision maker plans for instruction. Then we will include something on how to address diverse learning needs. And to, for this matter, we are going to talk about format model for learning. And then we will see that how can we assess students' learning. ये कुछ चीजें जो है असेसमेंट लर्निंग uh, की ये भी हमारा वी आर गोइंग टू री विजिट इट वी हैव डन इट बट वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट अ लिटल बेट सो स्टार्ट करते हैं विद अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन मोटिवेशन द क्वेश्चन इज टीचर्स आर मोस्ट लाइकली टू बिल्ड प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटीज बाय वट यूजिंग अ वराटी ऑफ मोटिवेशनल एंड ग्रुप डिवेलपमेंट स्ट्रेटेजीज Relying on positive and negative reinforcement to motivate students, avoiding overemphasis of intrinsic rewards, focusing on individual needs. Ye jante that there are different ways to motivate students. Lakein important cheese there should be positive learning communities. Ap ke positive learning or productive learning communities. कैसे बनाई जा सकती हैं हाउ कैन टीचर्स मेक प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटीज इन चार जो आपको सामने ऑप्शन हैं इनमें से कौन से ऑप्शन आपके ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है डेफिनेटली यूजिंग अ वेराइटी ऑफ मोटिवेशनल एंड ग्रुप डिवेलपमेंट स्ट्रेटीज क्योंकि इंडिविजुअल इफ यू आर गोइंग टू केटर ओनली फॉर इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स then there will not be a group feeling you are going to motivate individuals but you are not going to motivate groups so group motivation you so have equally important hai if you want to establish productive learning communities or reinforcement you so have positive or negative reinforcement say मे बी वो कॉन्शियस लेवल के ऊपर आप चेंज नहीं ला सकते सो द बेस्ट ऑप्शन इज दट बाय यूजिंग वेराइटी ऑफ मोटिवेशनल स्ट्रेटीज फॉर द ग्रुप लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ क्लास रूम फॉर स्टूडेंट्स मोटिवेशन हम इस पर पहले बात कर चुके हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं एक क्लासरूम के उसके अंदर हमने तीन चीजों पर बात की थी कि क्लास रूम है प्रॉपर्टीज की वो प्रॉपर्टीज हमें हर क्लास के अंदर नजर आएंगी और वो सिक्स प्रॉपर्टीज हैं जिसमें इंक्लूडेड है मल्टी पब्लिकनेस पब्लिकनेसमल्टेनियमी इमीडिएसी फिर इसी तरीके से आपके पास और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जहां पे मतलब टीचर को टीचर नीड्स टू बी ऑलवेज ऑन टोस वो प्रॉपर्टीज हैं क्लासरूम की अब हमारे पास एक और चीज जो है वो है प्रोसेसेस क्लास के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं देर सच एन इंडिविजुअल प्रोसेसेस सम ग्रुप प्रोसेसेस और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्लासरूम प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर टीचर का इतना ज्यादा रोल समटाइम्स नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल दट मल्टी डायमेंशनलिटी एंड इमिजिएसी कैन नॉट बी इंफ्लुएंस रेडिली बाय द टीचर क्लास रूम इज अ मल्टी डायमेंशनल प्लेस उसको टीचर यूनि डायमेंशनल और डायमेंशनल नहीं कर सकता उसकी डायमेंशन है और वो रहेंगी तो टीचर जो है जितनी मर्जी मोटिवेशनल स्ट्रेटीज अगर अप्लाई कर ले बट अ टीचर कैन नॉट इन्फ्लुएंस मल्टी डायमेंशनैलिटी एंड ऑफ़ द क्लासरूम लेकिन अ ग्रुप एंड क्लासरूम गोल्स टास्क रिवॉर्ड्स पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर आर मोर डायरेक्टली अंडर द टीचर्स कंट्रोल सो टीचर जो है उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है क्लासरूम रूम के ऊपर और क्लासरूम स्ट्रक्चर्स के ऊपर टीचर मेंच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वेयर स्टूडेंट आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म टीचर में रिवॉर्डॉर्ड स्ट्रक्चर टू हेल्प स्टूडेंट टू टू बी मोटिवेटेडिंग एक्सप्रेंसिक रिवॉर्ड टीचर जो है बच्चों का उनकी इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो है उसको आप डिवेलप कर सकते हैं

एक्सपेक्टेशंस आर एक्सटर्नल वाइल पर्सनल गोल्स आर इंटरनल अगर टीचर जो है क्लास रूम के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसमें ग्रेड्स वगैरह शामिल है टीचर उसको कर सकता है सिमिलरली टीचर यह कह सकता है बच्चों को कि आई वॉन्ट यू टू लिस्ट डाउन योर पर्सनल गोल्स बच्चों ने अगर पर्सनल गोल्स लिख दिए

क्लासरूम की प्रॉपर्टीज तो वही रहेंगी लेकिन टीचर जो है कैन इन्फ्लुएंस क्लासरूम प्रोसेसेस एंड क्लासरूम स्ट्रक्चर्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं सेटिंग पर्सनल गोल्स के हवाले से अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में ऐसा है कि वो कहता है कि मैंने कंप्यूटर्स के ऊपर ज्यादा काम करना है आप उसको अगर टीचर जो है उसको कहे कि ठीक है आप हैंड रिटर्न ना काम करो अगर उस बच्चे की हैंड राइटिंग भी अच्छी है और हैंड रिटन काम का कोई उस तरह से आपको पर्पज नजर नहीं आ रहा एंड अ चाइल्ड टू वर्क ऑन कंप्यूटर एंड यू अलाउ दैट चाइल्ड इट चाइल्ड इज इन प्रिंसिकली मोटिवेटेड इसी तरीके से अगर कोई बच्चे हैं दे वॉन्ट टू पब्लिश न्यूज लेटर्स दे वॉन्ट टू पब्लिश मैगजीन्स एंड यू अलाउ स्टेंट्स वॉन्ट टू कंडक्ट अर्वे ऑफ द स्कूल

Let us see some findings from the research that studies have uncovered important relationships among teacher practices, student engagement, and academic achievement. In general, students react more positively and persist in academic tasks in classrooms, characterized by democratic as opposed to authoritarian processes in classrooms characterized by positive feeling tones and learning orientations in classrooms where learning activities are interesting and challenging. a number of things i have just read, read out. Is kya cheez hai? research baat established that they are more motivated. they are um, they are more positive in the environment which are democratic as compared to authoritative environments. And authoritative environments definitely result as uh, a result from authoritative processes. Authoritative processes can very simple se example hai, ke class under a teacher ka control to that is authoritative process. कि कोई भाई कोई भी काम है उसमें टीचर जो है वो बता रहा है कि आपने इस तरह से करना है सो so, उसका मतलब है कि वो क्लास के अंदर जो मेजर इंटरपर्सनल प्रोसेस है वो अथॉरिटेटिव है बच्चों की सेल नहीं है टीचर इज़ डिफाइनिंग द रूल्स टीचर इज टेकिंग ऑल द रिस्पांसिबिलिटी बच्चों के पास उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों का शेयर नहीं है सो वी कैन से दैट प्रोसेस इज़ अथॉरिटेटिव प्रोसेस दूसरी तरफ में अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करें तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व हमने एक अपने लेक्चर में बात की थी चाइल्ड गवर्नमेंट की चाइल्ड गवर्नमेंट का क्या है चाइल्ड गवर्नमेंट कुछ कंट्रीज के अंदर स्कूलों के अंदर बच्चे जो हैं दे आ, मेक चाइल्ड गवर्नमेंट पूरे के पूरे उसमें क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं किसी एक क्लास का बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन रहा होगा उनके इलेक्शन होते हैं वो स्कूल के जो प्रॉब्लम्स हैं दे वर्क टूगेदर टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स और उसमें टीचर्स जो हैं दे दे आर नॉट दे आर टू कंट्रोल द प्रोसेस वो बच्चों का प्रोसेस है बच्चे सीखते हैं दे डू नॉट लर्न ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन देयर कंट्री बट दे ऑल्सो लर्न

इस वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है स्कूल के अंदर भी आप स्कूल लेवल के ऊपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस कर सकते हैं यू कैन इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन क्लासरूम सिचुएशन क्लास के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग है इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल डिसीजन एट योर ओन यू मे इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन दैट डिसीजन मेकिंग इवन के अगर आपने टाइम टेबल भी बनाना है मोस्टली टाइम टेबलिंग इज डन बाई सीनियर मास्टर और सीनियर मिस्ट्रेस और हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर वो लोग स्कूल के अंदर टाइम टेबल बना रहे होते हैं वी मे इन्वॉल्व चिल्ड्रेन इन दैट प्रोसेस अगर आप उनको इंफ्लुएंस नहीं कर सकते अपने हेड्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपने क्लास के अंदर क्या पढ़ाना है वो जरूरी नहीं है कि वही वाला टाइम टेबल फॉलो किया जाए जो कि हेड ऑफिस से आ रहा है यू मे डिवेलप योर ओन स्कीम्स ऑफ वर्क अलॉन्ग विद कंसल्टे ऑफ योर स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक so, प्रोसेसिस जो होते हैं दे दे आर एक्चुअली मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर द स्टूडेंट्स। और देखते हैं स्टडीज क्या कहती हैं इन्फ्लुएंस इन क्लासरूम्स डज नॉट फ्लो जस्ट फ्रॉम द टीचर स्टडीज है बिहेवियर ऑफ देयर टीचर ऑल्सो जितना ज्यादा आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे टू एक्सरसाइज देअर च्वाइस

क्योंकि इफ रिवॉर्ड्स आर टेकन देन नेगेटिव बिहेवियर्स में अक्कर अनडिजायर्ड बिहेवियर्स में टेक प्लेस सो वी शुड ट्राई टू गो फॉर इंट्रेंसिक मोटिवेशन मोटिवेशन स्ट्रेटीज की हम जब बात करते हैं तो देर इज अ रेंज ऑफ मोटिवेशन स्ट्रेटीज छोटे बच्चे जो होते हैं उनको इमिजिएट रिजल्ट चाहिए होते हैं उनके लिए आप डिफरेंट मोटिवेशन स्ट्रैटीज़ यूज़ करेंगे जबकि जो ज़रा बड़े बच्चे हैं एडोलिस अडोलिसेंट एज के अंदर यू आर गोइंग टू यूज़ सम डिफरेंट मोटिवेशनल स्ट्रैटीज़ तो एक नज़र डालते हैं उन मोटिवेशनल स्ट्रैटीज़ के ऊपर विच हैव बीन वेरी ऑफन रिकमेंडेड इन डिफरेंट बुक्स इफेक्टिव टीचर्स क्रिएट प्रोडक्टिव लर्निंग कम्यूनिटीज़ यू डू रिमेंबर कि ये प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटीज़ बनाना इट सेल्फ मोटिवेशनल स्ट्रेटजी है एक दफा आपने प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटी बना दी तो इट इज मोटिवेटिंग फैक्टर सो एम गोइंग टू रीड इट अगेन इफेक्टिव प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटीज फोकसिंग ऑन दैट कैन बी ऑल्टर्ड सच एज इंक्रीजिंग स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एनकरेजिंग ग्रुप इन्वॉल्वमेंट then there is another motivational strategy which is giving responsibility and rotating that responsibility बच्चों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और सिर्फ ये नहीं कि एक आध बच्चे को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है यू मे गिव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रोटेशन कुछ बच्चों को आप कॉपीज uh, कलेक्ट करने के लिए कह सकते हैं कुछ बच्चों को आप कह सकते हैं कि उन्होंने बोर्ड नीट एंड क्लीन रखना है कुछ बच्चों को कह सकते हैं कि उन्होंने क्लैनलीनेस का ख्याल रखना है क्लासरूम की कुछ बच्चों को आप जो क्लास uh, के अंदर बुलेटिन बोर्ड्स हैं सॉफ्ट बोर्ड्स हैं उनको Uh, ख्याल रखने के लिए आप कह सकते हैं कुछ बच्चों को आप ये जिम्मेदारी लगा सकते हैं कि उन्होंने uh, क्लास के अंदर डेली uh, बच्चों का यूनिफॉर्म चेक करना है उनका हेयर चेक करने हैं नेल्स चेक करने सो यू मेक डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रोटेशन सो दैट ऑल द चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी टू टू शो रिस्पांसिबिलिटी एंड टू लर्न हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी

तो आप उनको कहते हैं कि ब्रिंग इनोवेशन इन इट क्रिएटिविटी के ऑप्शन देते हैं तो वो जो क्रिएटिविटी है इनोवेशन है दैट इज अगेन अ मोटिवेटिंग फैक्टर दैट इज वेरी बिहेवियरल लेवल के ऊपर री के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव री के ऊपर वो बहुत हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप टोकन इकोनॉमी यूज कर सकते हैं रिवॉर्ड सर्टिफिकेट्स ऑल दीज थिंग्स कुड बी देयर लेकिन वो बेमानी हो जाती है कुछ अरसे के बाद आई कैन कोट यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ा रही थी तो हमने बच्चों को मंथली अटेंडेंस के सर्टिफिकेट्स देने शुरू किए कि अगर बच्चा फुल अटेंडेंस शो करता है तो उसको उस मंथ के फुल अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलेगा शुरू शुरू में बच्चों के लिए वो इट वाज़ अ ग्रेट मोटिवेटिंग फैक्टर तीन चार महीनों के बाद वो बच्चों के पहले उनके वो, वो उन्होंने फाइल्स मेंटेन की हुई थी बाद में पता चलता था कि वो बच्चों के माँ बाप ने भी घुमा दिए मंथली सर्टिफिकेट्स और बच्चों को भी परवाह नहीं थी सो एक्चुअली एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स दे लूज दे आर सिग्निफिकेंस आफ्टर सम टाइम सो इफ़ वी वांट सस्टेन्ड इन्फ्लुएंस ऑफ दिज रिवॉर्ड्स देन वी नीड टू एंश्योर इंटरनसिक मोटिवेशन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को हमें आहिस्ता आहिस्ता कम करना होता है so this is about motivation i hope that we teachers will use variety of motivational strategies so that we can um, develop a conducive learning environment where children and teachers both are learners so um, for this matter we we may use we may get help from social learning theory we may get help from cognitive theory reinforcement theory and needs theories let's talk about teaching cycle so you can see in this teaching cycle there are three components starting from planning implementation and evaluation in fact in a cycle there is no starting point but for convenience i say that प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवेलुएशन एंड अगेन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन सो प्लानिंग प्लानिंग इज वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ द टीचिंग साइकिल प्लानिंग के अंदर हम हर चीज तय करते हैं कि हमने हमारी बच्चों से एक्सपेक्टेशन क्या हैं बच्चों की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं सो वी इंक्लूड ऑल दीज थिंगन वी प्लान So, planning and making decisions about instruction are among the most important aspects of teaching because they are major determinants of what is taught in schools and how it is taught. The traditional perspective of planning is based on rational linear models characterized by setting goals and taking specific actions to accomplish desired outcomes. तो प्लानिंग जो है ये तो हमें पता है कि ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सक्सेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन प्लानिंग जितनी ज्यादा अच्छी प्लानिंग होगी उतना चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी क्लास के अंदर लर्निंग ज्यादा होगी अब प्लानिंग के भी डिफरेंट मॉडल्स हैं ट्रेडिशनल मॉडल क्या है कि आप गोल्स सेट करें और गोल्स के लिए जो स्ट्रेटजीज चाहिए गोल्स uh, को अचीव करने के लिए व्हाट स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड यू लिस्ट टर्म दो स्ट्रेटजीज and you list down the actions required to achieve the goals and then at the end you assess if your goals have been achieved or not so this is a very linear model but it is very much in use in pakistan and in other countries also now we talk about non linear model the knowledge base suggests knowledge base means research suggests that teacher planning and decision making do not always conform टू रैशनल लीनियर प्लानिंग मॉडल्स न्यूअर परस्पेक्टिव ऑन प्लानिंग पुट मोर एम्फेसिस ऑन प्लानर्स नॉन लीनियर एक्शन एंड रिफ्लेक्शन मतलब ये कि टीचर जो है टीचर नीड्स टू तो बी फ्लैक्सीबल की जहां पर क्लास के अंदर उसको लगता है कि नीड्स बच्चों के कुछ और है टीचर नीड्स टू तो बी फ्लेक्सीबल टीचर नीड्स टू तो एड्रेस दो नीड्स इसकी एक और चीज है कि जो लीनियर फैशन है उसके अंदर आपका फोकस गोल्स के ऊपर होता है जो नॉन लीनियर फैशन है उसके अंदर आपके लिए गोल्स जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपने कंटेंट और प्रोसेस स्टार्ट करना है कि उसमें प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं एंड देन यू विल प्लान सो देट दोस आर एस्टेब्लिश एंड स्टूडेंट्स लर्न दोज प्रोसेस जो थर्ड है टीचर का प्लानिंग का परस्पेक्टिव एट इज कॉल्ड मेंटल प्लानिंग Is based on reflective thinking prior to the construction of more formal plans and imaging and mental rehearsal prior to presenting particular lessons. So, the third model of planning, ka, this is also known as reflective model. So, we can say that one traditional model the second, hai, that is non-linear model. The third one is reflective model. तो जो रिफ्लेक्टिव मॉडल है ये ये कहता है कि थिंकिंग प्रोसेस नीड्स टू बी और मेंटल प्रोसेस नीड्स टू बी देयर थ्रू आउट इन द प्लानिंग तो इसमें बात आ जाती है रिफ्लेक्शन इन एक्शन की और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन की कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं यू नीड टू रिफ्लेक्ट सो दैट यू आर रिफ्लेक्टिंग इन योर एक्शंस यू आर चेंजिंग योर एक्शंस अकॉर्डिंग टू योर रिफ्लेक्शन जो लर्न आप कर रहे हैं कि क्लास के अंदर जो कुछ भी हो रहा है यू चेंज योर एक्शन अकॉर्डिंगली और उसके बाद आप यू रिफ्लेक्ट ऑन एक्शन एंड देन डिवाइज न्यू प्लानिंग यू डिवाइस प्लानिंग फॉर द न्यू सेशन न्यू यूनिट न्यू लेसन सो वी मे से टीचर प्लानिंग इज मल्टीफेटेड बट रिलेट्स टू थ्री फेजेज ऑफ टीचिंग प्रायर टू इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन तो अगर हम इसको दोबारा से बात करें आ, उसके ऊपर टीचिंग साइकिल के ऊपर जाए जिसमें थ्री एरियाज थे प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवेलुएशन सो वी मे से प्लानिंग स्टेज टीचर्स प्लानिंग इज देयर इन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इट इज देयर इन एवेलुएशन स्टेज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर इस तरह से कि टीचर बच्चों का काम ऑब्जर्व कर रहा है बच्चों के रिस्पॉन्स ऑब्जर्व कर रहा है तो उसी वक्त वो प्लान करता है कि व्हाट फीडबैक नीड्स टू बी गिवन टू दिस चिल्ड्रन वट फीडबैक नीड्स टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इफ देयर इज एनी बिहेवियरल इशू व्हाट काइंड ऑफ एक्शन नीड्स टू बी टेकन बाय द टीचर सो डो रिमेम्बर द टीचर इज अ डिसीजन मेकर डिसीजन मेकिंग इज नॉट देयर ओनली ऑन पेपर पेंसिल थिंक दैट इज लेसन प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग डिसीजन मेकिंग इज दियर ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन बल्कि होती है जब टीचर पढ़ा रहा होता है वो ज्यादा रिग्रस क्यों है क्योंकि जब हमें ये पता है कि क्लास रूम की प्रॉपर्टी के अंदर पब्लिकनेस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी तो जब आप पब्लिक को डील कर रहे हैं तो फिर तो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होते हैं बहुत सारे हवालों से डिसीजन लेने होते हैं कि बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है यू नीड यू टेक अ डिसीजन यू प्लान दैट डिसीजन यू टेक दैट डिसीजन मे बी इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स फिर आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो कैसे जा रहा है अगर रिसोर्सेज कम है यू टेक डिसीजन यू प्लान एंड यू टेक डिसीजन कि अब हमें क्या करना है सो यू सी दैट प्लानिंग इज देयर इन ऑल दीज थ्री फेजेज तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग की जो थ्री फेजेज हैं प्रायर टू इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे बच्चों की क्लास के अंदर डिफरेंट नीड्स हैं। उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स भी डिफरेंट है और उनकी मे भी उसमें कुछ बच्चों की नीड्स जो हैं वो बिलोंगिंगनेस की नीड्स हैं कुछ की एस्टीम नीड्स हैं कुछ की सेल्फ एक्चुलाइजेशन की नीड्स हैं सो आवर चिल्ड्रन हैव डिफरेंट नीड्स वी हैव डाइवर्स लर्नर्स दे हैव डिफरेंट नीड्स दे हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हमारी क्लास के अंदर डाइवर्सिटी है दे हैव डिफरेंट इंटेलेक्चुअल वी कैंट से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बट दे माइट इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट तो हमारी क्लास के अंदर डायवर्सिटी तो यकीन है अब सवाल ये आ जाता है कि वेन टीचर हैज टू तो मेक डिसीजन हाउ टू तो अड्रेस डायवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। इसकी जो फाउंडेशन है इस मॉडल की वो दो चीजों के ऊपर है मेकार बिलीव Believes that children are diverse. They have diverse needs. They have diverse learning styles, and they have diverse uh, interests and abilities also. Second, that we have left and right brain, and our brains they have uh, left and right brain. They perform different functions. So, usne jo format model banaya. उसने इन दोनों चीजों को सामने रख के फिर बनाया उसने एक साइकल जो बनाया इट इंक्लूडेड फोर क्वाड्रेंट्स देखते हैं कि ये मॉडल क्या है आपको ये स्लाइड पे नजर आ रहा है कि इस मॉडल के फोर पार्ट्स हैं एक मीनिंग द अदर वन कॉन्सेप्ट्स, देन स्किल्स एंड देन अडेप्टेशन अगर हम स्टार्ट करें मीनिंग वाले में इसको आपको अंदर नजर आ रहा होगा वाई कॉन्सेप्ट के अंदर वट देन स्किल्स के अंदर हाउ और अडेप्टेशन में इफ नजर आ रहा है इसके अंदर वाले क्वाड्रेंट के अंदर आप अंदर वाले सर्कल में चले जाए तो आपको नजर आ रहा होगा वाई के नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट देन फिर व्हाट के अंदर आपको ब्लू में नजर आ रहा है इमेज एंड इनफॉर्म नेक्स्ट में हाउ के अंदर दो पार्ट्स हैं प्रैक्टिस एंड एक्सटेंड, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको रिफाइन नजर आ रहा है और परफॉर्म नजर आ रहा है अब इसके अंदर अगर आप देखें तो कनेक्ट के नीचे राइट right, फिर अटेंड में लेफ्ट फिर इमेज में राइट right, इनफॉर्म में लेफ्ट आपको नजर आएगा प्रैक्टिस के अंडर लेफ्ट और एक्सटेंट के अंदर राइट है रिफाइन के अंदर लेफ्ट right है. है और परफॉर्म के अंदर राइट right है आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो फोर क्वाड्रेंट्स हैं इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं कि आप स्टार्ट करते हैं मीनिंग से फिर कॉन्सेप्ट आता है फिर स्किल्स डेवलप होती हैं, फिर अडेप्टशन का लेवल है इनके अंदर जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं कि इवन के आपने अगर मीनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले बच्चों को कनेक्ट की स्टेज पर लाते हैं तो जो कनेक्शन पार्ट एज फंक्शन ऑफ राइट ब्रेन जबकि अटेंट पार्ट इज फंक्शन ऑफ लेफ्ट ब्रेन तो इस मॉडल की खूबसूरती ये है कि इसने डायवर्स लर्निंग नीड्स को भी एड्रेस करने की कोशिश की है और साथ साथ के अंदर इसने लेफ्ट और राइट ब्रेन के फंक्शंस को भी डिस्टिंगटली आइडेंटिफाई किया है इसको एक मिसाल से समझते हैं कि टीचर ने फॉर एग्जाम्पल साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो टीचर क्या कर सकता है कनेक्ट पार्ट कनेक्ट मीन्स के बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ टीचर ने उसको कनेक्ट करना है अब इसमें क्या हो सकता है कि टीचर जो है बच्चों के लिए साइज का कॉन्सेप्ट देना है तो बच्चों का डिफरेंट एक छोटी सी एग्जीबिशन कर ले डिफरेंट कपड़े रख दे वहां पर उसमें बच्चों के लिए कैप्स भी हों टाइज भी हों मे बी कुछ जूते भी हों या कुछ और चीज़ हो सकती है अगर कपड़ों की बात नहीं है तो साइज के लिए रिंग्स रख सकती है टीचर वहाँ पर आ, इसी तरीके से बच्चों के लिए कुछ बैंगल्स रखी जा सकती हैं आ, कुछ रिबंस दिए जा सकते हैं या कुछ और किया जा सकता है उसमें बच्चों को कहा जाएगा कि आप इनको पहन कर देखें बच्चे जो हैं उन्होंने पहले वो चीज़ें पहनी होंगी अगर कैप है तो कैप बच्चे पहनते रहते हैं शूज है सॉक्स है ये सारा कुछ बच्चों ने पहले एक्सपीरियंस uh, किया हुआ होता है तो आपने ये जो काम करना है ये वही काम करना है विच स्टूडेंट्स ऑलरेडी डू तो आपने उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट इज अटेंड पार्ट अटेंड के अंदर क्या आएगा आप बच्चों से कहेंगे अब आप देखें कौन सी कैप्स आपको पूरी आ रही हैं कौन सी नहीं आ रही कौन सा कोई बच्चा ठीक तरीके से ले रहा है कौन सा नहीं तो बच्चे उसको अटेंड करेंगे वो देखेंगे कि उसमें फाइव और सिक्स चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके साइज़ की हैं कुछ और चीज़ें हैं जो कि दूसरे बच्चों के साइज़ की हो सकती हैं तो इससे वो अटेंड होंगे एक और मिसाल ले लेते हैं कि अगर बच्चों को आपने मैथमेटिक्स के अंदर ल्जरिक एक्सप्रेशन के uh, सिखाने और उसकी एडिशन सिखानी है तो आप बच्चों को जो कनेक्ट पार्ट के अंदर आप वो चीज़ें सिखाएंगे जो के uh, बच्चे ऑलरेडी एडिशन में सीख चुके हैं वो अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन नहीं होगी बल्कि वो सिंपल एडिशन होगी यू विल कनेक्ट चाइल्ड एक्सपीरियंस विद समथिंग विच यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नेक्स्ट तो पहला जो ये पार्ट है इसमें आपने बच्चों से सिंपल सवाल हल करवा लें एडिशन के मे बी चिल्ड्रन आर गोइंग टू तो से मिस और सर ये तो हमें पहले से आता है आप उनसे कहें कि मैं डू इट अगेन क्योंकि आपने उसको उनकी नई लर्निंग के साथ कनेक्ट करना है अगर आप बच्चों को एवरेजेस वगैरह का को, कोई कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं सो ट्राई टू सी वट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो आप उनको कनेक्ट करें मे बी के बच्चों के क्रिकेट के एक्सपीरियंसिस के साथ या बच्चों की प्रायर लर्निंग है अबाउट टेम्परेचर वेरिएशन कोई उन्होंने देखा हुआ हो ग्राफ वगैरह या कोई एवरेज वगैरह निकाली हुई हों सो यू मे कनेक्ट थ्रू दीज थिंग्स और फिर अटेंड के अंदर आप देखेंगे कि बच्चों ने इंडिविजुअल uh, बच्चों के क्या एक्सपीरियंसिस है वट कैन दे टॉक अबाउट हम अपनी एग्जाम्पल uh, में आते हैं जो uh, हमने एडिशन की एग्जाम्पल ली तो यहां पे आपने बच्चों को कहा कि एडिशन करें सारे बच्चों ने की आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने एडिशन कैसे किए बच्चों के अपने उसमें मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कुछ बच्चे फिंगर्स से एडिशन करते हैं कुछ बहुत बड़े होके भी फिंगर्स से करेंगे कुछ बच्चे जो हैं वो टें के ग्रुप्स बना लेते हैं और उससे एडिशन करते हैं किसी तरीके से भी आप बच्चों से कहेंगे कि उनके इंडिविजुअल क्या है तरीका कार so जाता है आपके पास कॉन्सेप्ट का वट डू वी टीचर्स डू हम करते हैं जो हमारी लेसन प्लानिंग भी होती है मोस्टली दैट स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट वाई वाला पोर्शन उसमें नहीं होता वी डू नॉट कनेक्ट टू स्टूडेंट्स

प्रीवियस लर्निंग जब आप ये कर लेते हैं तो देन यू कम टू वट पार्ट और वट पार्ट पे आपको नजर आ रहा है इट इज अबाउट इमेज एंड इनफॉर्म इमेज यहां पे आप बच्चे से कहते हैं कि इमेजिन वट डज द न्यू थिंग लुक लाइक अगर हम एल्जेबरिक एक्सप्रेशन ही करवाने जा रहे हैं तो हम बच्चे को लिख के देंगे और हम बच्चे से कहेंगे सवाल करेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये किस बारे में है ये कैसा नजर आता है आप इसको डिस्क्राइब करें सो यू आस्क चिल्ड्रन टू इमेजिन कि व्हाट इट अबाउट आप इस पार्ट के अंदर बच्चों से ब्रेन भी करवा सकते हैं जहां पे आप बच्चों से आइडियाज लेंगे और वो आइडियाज आ जाएंगे एंड देन यू मूव फर्दर आपने ऐसे राइटिंग बच्चों को करवानी है तो uh, बच्चों के लिए समथिंग न्यू आप कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चों को किसी नए टॉपिक पे करवाने जा रहे हैं और आप उनको सिखाना भी चाहते हैं तो यू मे आस्क देम टू कम अप विद देयर ओन थॉट्स ऑन अ सर्टेन टॉपिक यू लिस्ट देम डाउन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाते हैं दैट इज अबाउट इनफॉर्म इनफॉर्म स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर आप बच्चे को नॉलेज देते हैं So, हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जब आपने बच्चों से कहा आपने उनके एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करना है उनके एक्सपीरियंसेस को अटेंड करना है आपने ये देखना है कि बच्चों को क्या क्या कुछ आता है वहां पर वो बच्चे जो है इनफेक्ट अपनी लर्निंग का ही मीनिंग निकाल रहे होते हैं जो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो हम कहते हैं ना कि बच्चे जो है उनको आपने एक कनेक्ट किया और फिर आप उनको बताएंगे वो उनके लिए भी है कि दे अटेंड टू देयर ओन लर्निंग यू अटेंड टू देयर लर्निंग बट दे अटेंड टू देयर ओन लर्निंग अगर हम साइजेस वाली एग्जाम्पल दें तो उसमें हम ये कहेंगे कि वो बच्चे खुद से बताएंगे कि हमें क्या साइज पूरा आता है और क्या नहीं आता फिर वो ये खुद बताते हैं कि क्या मेरा हाथ का साइज बड़ा है या छोटा है क्या मेरे सर का साइज बड़ा है मुझे कैप पूरी आ रही है या नहीं आ रही है कैन आई होल्ड दीज मैनी बीड्स इन माई हैंड्स और नॉट तो चिल्ड्रन अटेंड टू देयर ओन लर्निंग एंड यू अटेंड टू देयर लर्निंग ऑल्सो तो वट के अंदर सबसे पहले आप उनको इमेजिनेशन पे लेकर जाते हैं उनसे सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ये कैसा नज़र आता है एंड देन यू इन्फॉर्म चिल्ड्रन वट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हम ये इस जो क्वाड्रेंट है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है कॉन्सेप्ट के हम इसकी थर्ड स्टेज से स्टार्ट करते हैं क्लास के अंदर गए बच्चों से कहा कि ऑल राइट स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक्स और फिर उसके अंदर से रीडिंग करवा दी और हमने बच्चों को वो नॉलेज दे दिया और वो भी खुद नहीं दिया मोस्टली थ्रू टेक्स्ट बुक वी यूज टेक्स्ट बुक एज़ अ टूल तो हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम इस लेवल से स्टार्ट करेंगे हमें नहीं पता कि हमारे बच्चों की ऑलरेडी लर्निंग क्या है हम उनकी डाइवर्सिटी को नहीं जानेंगे हम उनकी डायवर्सिटी को जानते हैं अटेंड की स्टेज के ऊपर और इमेज की स्टेज के ऊपर या इमेजिन की स्टेज के ऊपर हम इन दो जगहों के ऊपर उनको जानते हैं अगर हमने उन इन दो पॉइंट्स के ऊपर हम नहीं बच्चों को लेकर आए हाउ कैन वी गिव देम राइट इंफॉर्मेशन हाउ कैन वी देम फिर तो ही होगा कि हम उनको बता रहे हैं क्लास में तीन चार बच्चे सुन रहे हैं दे आर अटेंटिव दे आर लिसनिंग टू यू रेस्ट ऑफ देम आर नॉट मोटिवेटेड उनको पता ही नहीं कि टीचर क्या करवा रही हैं या क्या करवा रहा है सो वी नीड टू टेक स्टूडेंट्स थ्रू दीज थ्री स्टेप्स बिफोर

प्रैक्टिस जब बच्चों को करवाएंगे मीन्स यू प्रोवाइड दम अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसलेट द इन्फॉर्म्ड थिंग इन टू प्रैक्टिस ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपने बच्चों को सिखा दिया आपने बच्चों को ग्रामर रूल्स बता दिए उसके बाद आप बच्चों को कहते हैं कि प्रैक्टिस करें उन ग्रामर रूल्स को अप्लाई करने की आपने बच्चों को बता दिया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं नाउन्स क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं फिर आप उनको प्रैक्टिस देते हैं कि इस टेक्स्ट में से अलीहदा अलीदा करें नाउन्स कौन से हैं एजिकटिव कौन से हैं वर्ब्स कौन से हैं तो यू प्रोवाइड देम प्रैक्टिस टाइम मैथ्स के अंदर भी आप एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं एक फार्मूला बता दिया उसकी फार्मूला की एप्लीकेशन के लिए आप फिर प्रैक्टिस टाइम दे देते हैं सो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर आ जाती है आपके पास एक्सटेंट ये भी आपकी स्किल है हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के लेसन के अंदर ये पढ़ा था कि स्किल जो है वो होती है जो के ऑटोमेटिक हो कि आप प्रैक्टिस करके एक स्किल सीख लें लेकिन फिर आप उस प्रैक्टिस के नतीजे के अंदर उस स्किल को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के काबिल हो जाए आपने एडिशन आपको आ गई है अब आपको कोई सी भी एडिशन दे दी जाए यू शुड बी एबल टू परफॉर्म दैट एडिशन ऑटोमेटिकली आपको Uh, उसको दोबारा से प्रैक्टिस की जरूरत ना हो तो एक्सटेंड के अंदर आप बच्चों को एक्सटेंडेड प्रैक्टिस देते हैं सो वंस यू गिव चिल्ड्रन एक्सटेंडेड प्रैक्टिस देन दे आर एबल टू रीच टू लेवल ऑफ ओवर लर्निंग और जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड लर्निंग सो एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए ओवर लर्निंग के लिए एक्सटेंडेड प्रैक्टिस इज नीडेड तो हमने बात की कि सबसे पहले हमने मीडि क्वाड्रेंट पे जाना है फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेंट आएगा दैट इज कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट देन देर इज थर्ड क्वाड्रेंट स्किल क्वाड्रेंट इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट दैट क्वाड्रेंट इज अडेप्टशन देखते हैं इसमें दो चीजें हैं वन इज रिफाइन एंड द अदर वन इज परफॉर्म रिफाइन क्या है कि बच्चे जो हैं उन्होंने एक्सटेंडेड प्रैक्टिस कर ली उनके पास वो स्किल आ गई नाउ दे शुड बी एबल टू मेक कनेक्शन विदर एवरी डे लाइफ उस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सके अपनी उस लर्निंग को रिफाइन कर सके इसके बाद की जो स्टेज है हाइएस्ट स्टेज वी कैन कॉल इट हाइस्ट स्टेज दैट इज परफॉर्म परफॉर्म के अंदर क्या है कि यू कैन मेक कनेक्शंस टू लार्जर आइडियाज यू कैन ब्रिंक इनोवेशन यू कैन फाइंड रेलिवेंस होता क्या है हमारे स्कूल्स के अंदर हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में स्किल भी सिखाते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में स्किल वाला पोर्शन मिसिंग कर देते हैं स्किल वाला पोर्शन होता ही नहीं है मैं इसकी मिसाल देती हूँ कि हम अगर साइंस की बात करें तो साइंस में Uh, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक फूड का वेरी इजी दैट्स व्हाई आई गिव एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को फूड बताई फूड की डिफरेंट क्लासेस बता दी बच्चों ने वो क्लासेस के बारे में सीख लिया फिर हम बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट दे देते हैं और फिर हम बच्चों की टेस्ट ले लेते हैं और उनकी एग्जाम के अंदर भी पेपर में आ जाता है दैट्स इट इसमें ये कॉन्सेप्ट है इसमें आप स्किल के ऊपर भी नहीं जा रहे मैथ्स में उर्दू में इंग्लिश में तो हम फिर स्किल के ऊपर बच्चों को लेकर जाते हैं या फिजिकल एजुकेशन में भी लेकिन इस इस तरह के कॉन्सेप्ट में सोशल स्टडीज़ में साइंस में तो हम बच्चों को स्किल लेवल पर भी नहीं लेकर जा रहे होते सो व्हाट कैन वी डू हम उनको अगर फूड का चैप्टर पढ़ाया है तो हम बच्चों से रेसिपीज लिखवाएं ऐसे खानों के विच आर बैलेंस डाइट हम उनसे प्रैक्टिस करवाएं कि कितनी जो है एक दिन के अंदर जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो कितनी कैलोरीज चाहिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बच्चे बना के लाए डाइट कॉम्बिनेशन बना कर लाएं हम उनसे डाइट चार्ट बनवाएं जिसके अंदर आ, हमें यह पता हो कि इसमें बच्चों को वाइटामस भी मिल रहे हैं कैल्शियम भी मिल रहा है और मिनरल्स भी एक मुनासिब मकदार में बैलेंस मकदार में मिल रहे हैं वी डू नॉट प्रोवाइड दिस ऑपरचुनिटी टू आवर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इस किस्म का कोई अपॉर्चुनिटी हम उनको नहीं देते तो हम इस पूरे के पूरे फोर क्वाड्रेंट्स को हम स्क्वीज कर देते हैं एक क्वाड्रेंट में दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग दैट्स इट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने लर्निंग को पूरे उसके साइकिल से ही नहीं गुजारा हाउ कैन वी एक्सपेक्ट इन डेप्थ लर्निंग हमारा फोकस क्या होता है ज्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना हम अपने लेक्चर्स में इस चीज को एड्रेस करते आए हैं कि लेस इज मोर लेस विल बी मोर इफ वी गो टू ऑल दीज क्वाड्रेंट्स एंड वी फुलफिल डिमांड ऑफ ऑल दीज क्वाड्रेंट्स इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं अडेप्टशन वाले पार्ट को कि आपने बच्चों को फूड की हमने एग्जांपल ली साइंस के अंदर बच्चों की स्किल भी आपने डिवेलप कर है इसके बाद बच्चे जो हैं रिफाइन स्टेज के ऊपर कैसे आएंगे कि आपने उनको कहा कि लाइव के साथ इसका कनेक्शन बनाएं बच्चे अपनी ईटिंग हैबिट्स को इवेलुएट करें अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं इसका मतलब ये है कि वो जो लर्निंग है वो किताबी लर्निंग नहीं है बच्चों उसको अपनी जिंदगियों के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर हैबिट्स इसके बाद है अडेप्टेसन की स्टेज यहाँ पर जाकर बच्चे जो हैं वो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ मेथड्स uh, डिवाइज करेंगे जहाँ पर वो कहेंगे कि हमें हमारी ये ये ईटिंग हैबिट्स हैं वो चैलेंज देम हम इनको इस तरीके से लेकर चलेंगे और इसमें इनोवेशन ला सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं सो दे टू अडेप्टेसन स्टेज इसी तरीके से अगर हम इसमें हम बात करें उर्दू के अंदर या अंग्रेज़ी के अंदर आप बच्चों को राइटिंग का काम सिखा रहे हैं आ, आपने बच्चों को परसवेसिव राइटिंग सिखा दी है स्किल डेवलपमेंट तक आप आ गए हैं अब आ जाती है अडेप्टशन यहाँ पर आप आके बच्चों से कहें मेक कनेक्शन विद देयर लाइफ इफ़ दे नो हाउ टू राइट अ लेटर दे नीड टू राइट लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स लेटर टू एडिटर लिखें या उस लर्निंग को अपनी एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करें अपने फ्रेंड्स को भेजें किसी को भी आप उसमें इंफॉर्म्ड इश्यूज के ऊपर भी आप लेटर्स भेज सकते हैं और या अपने फ्रेंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो वो अपनी जिंदगी में उस लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो कि इम्तिहानों को पास करके आते हैं वहां पे एप्लीकेशंस उन्होंने बहुत लिखी होती हैं पर वो कौन सी होती हैं सिक लीव है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है ब्रदर्स uh, वेडिंग है इन चीज़ों की लीव एप्लीकेशन्स लिखी हुई होती हैं जब वो नौकरियों पे लग जाते हैं उन्होंने अगर एक छोटा सा खत भी लिखना है तो दे ट्राई टू फाइंड आउट अ पर्सन जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी है या उर्दू अच्छी है वो उनके लिए एक लेटर ड्राफ्ट करे रीज़न क्या है ना तो स्किल के अंदर प्रैक्टिस हुई हुई थी वो वही रटी रटाई प्रैक्टिस थी और उसके बाद लेटर राइटिंग या um, एप्लीकेशन राइटिंग उनकी जिंदगी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है सो वी वॉन्ट स्टूडेंट टू कम टू द स्टेज वेयर दे कैन दियर देर लर्निंग के उसको अपनी के साथ भी रिलेट कर सके और उसके बाद उसके अंदर इनोवेशन भी ला सके वो चैलेंज भी कर सकें कि ये एप्लीकेशन का पैटर्न ठीक नहीं है या ये लेटर राइटिंग का पैटर्न ठीक नहीं है आई हैव माई ओन पैटर्न चिल्ड्रन शुड बी एबल टू कम अप विद देयर ओन आइडियाज ओरिजनैलिटी लेकर आए सो वी एक्सपेक्ट दैट लेवल ऑफ लर्निंग तो जो फॉर्मेट मॉडल है लर्निंग का ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव है कि ये ना सिर्फ जो आपकी ब्रेन हेमिसफ्यसिटी है उसको एड्रेस कर रहा है बल्कि इसके अंदर बच्चों की लर्निंग नीड्स जो हैं जो उनके डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स हैं वो सबका सब कुछ एड्रेस हो रहा है आई टेक यू बैक टू दिस पिक्चर इस पर एक और बात करते हैं द पिक्चर जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारे क्वाड्रेंट्स इसमें अगर आप देखें जो इनफॉर्म की स्टेज है आपको नजर आ रही है दिस इज लेफ्ट ब्रेन फिर आपने प्रैक्टिस की स्टेज देखें दैट इज़ अगेन लेफ्ट ब्रेन हमारे स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम ये काम करवाते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया और समाइम्स उसकी प्रैक्टिस करवाई एज अ रिजल्ट आवर चिल्ड्रंस लेफ्ट ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव और राइट right ब्रेन उनका उतना एक्टिव नहीं रहता जो राइट right ब्रेन के फंक्शंस हैं वो बच्चे वो वाले फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाते वो तो तब परफॉर्म करेंगे ना अगर आप उनको इन चीजों के ऊपर आप उनको प्रैक्टिस देंगे आप उनको टाइम देंगे अगर आप को आ, इसको देखें रिफाइन की स्टेज को इट इज़ अगेन लेफ्ट ब्रेन स्टेज लेकिन आप इनोवेशन की स्टेज देखें परफॉर्म की स्टेज देखें क्रिएटिविटी की स्टेज देखें दैट इज़ फंक्शन ऑफ राइट ब्रेन तो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है दैट इज़ फंक्शन ऑफ राइट ब्रेन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी आएगी अगर इस फंक्शन को बच्चों ने परफॉर्म किया होगा उनका राइट ब्रेन एक्टिव होगा तो तब वो ये कर सकते हैं सो so, अभी तक हमने ये देखा शुरू में हमने मोटिवेशन के ऊपर बात की और उसके बाद हमने ये देखा कि फोर मैट मॉडल क्या है और इसके अंदर हम किस तरीके से लेकर बच्चों की लर्निंग जो है वो ओरिजिनलिटी तक ला सकते हैं उनको हम ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जो हम प्लानिंग की बात करते हैं तो टीचर जब अपने लेसन uh, को प्लान करता है तो इट शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू दीज एट अकॉर्डिंग टू दीज फोर क्वाड्रेंट्स, ताकि बच्चों के लिए लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल हो सके फिर और जो चीज है वेन अ टीचर इंप्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग लेसन तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी टीचर ने डिसीजंस लेने हैं और उसमें भी इंश्योर करना है कि बच्चों की लर्निंग इन चारों के चारों क्वाड्रेंट्स के अराउंड है इज ऑन दिस थिंग फिर आ जाती है बात असेसमेंट की कि जब आपने बच्चों को असेस करना है तो कैसे करना है एक तो तरीका यह है जो कि लीनियर मॉडल है हमारा प्लानिंग का कि जो गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं उन्हीं के अंगेंस्ट आप बच्चों को असेस कर लें दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मॉडल लेकिन अगर हम फोर मैट मॉडल को यूज करते हैं तो आपने बच्चों को असेस करना है हर पॉइंट के ऊपर कि बच्चों जब वेन यू आर कनेक्टिंग टू देअर एक्सपीरियंसेस यू नीड टू असेस इफ यू हैव बीन एबल टू कनेक्ट टू दोज एक्सपीरियंसेस फिर बच्चों की लर्निंग को वहां पर आपने देखना है फिर इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के ऊपर आप आते हैं अगेन यू नीड टू असेस स्टूडेंट्स एट दिस स्टेज स्किल के ऊपर कि क्या बच्चों ने अपनी स्किल्स डिवेलप की हैं या नहीं और फिर इनोवेशन की स्टेज एडेप्टन की स्टेज के ऊपर देखना है कि क्या मेरे बच्चे इस लेवल पर आए हैं या नहीं आए तो हो सकता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चों को फूड का आपकी पूरी क्लास जो थी उसने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया स्किल लेवल के ऊपर भी आ गए पर आधी क्लास आपकी अडेप्टन के लेवल पर नहीं आई में भी आपने जो पेपर पेंसिल टेस्ट लिया है उसके ऊपर सारे के सारे बच्चे एक ही तरह का परफॉर्म करेंगे बट यू नो कि हाफ ऑफ योर क्लास इज नॉट ऑन एडेप्टन स्टेज तो आप बच्चों के लिए जो रिमार्क्स लिखते हैं उसमें आप लिखेंगे कि आपकी क्लास में एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो किस स्टेज तक आया है उसकी लर्निंग किस स्टेज तक हुई है अडेप्टशन की स्टेज को मोस्टली हम पेपर पेंसिल टेस्ट के ऊपर चेक नहीं करते लेकिन बाकी की जो स्टेजेस है उनको हम जो स्किल है और कॉन्सेप्ट की इसको पेपर पेंसिल टेस्ट के ऊपर असेस किया जाता है सो यू नीड टू नो हाउ टू असेस स्टूडेंट्स इन दीज डिफरेंट क्वाड्रेंट्स सो यू नीड टू योर असेसमेंट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मॉडल

And learning. So keep motivating your students, keep changing the processes, make your classroom processes more democratic and use innovative model of teaching and learning so that your students are motivated towards learning. You are motivated towards learning and teaching. Thank you very much. So that's all about uh, format model and motivation. So see you in the next lesson with um, a focus on teaching and learning tools. Thank you very much.